सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज आपको जानकारी देते हैं हम कान का बहना, कानों में मवाद आना, ये समस्या क्यों होती है और इसके उपाय क्या हैं। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको कि अगर आपका कान बहता है, बच्चे का या बड़े का या किसी का भी, तो उसमें आप तत्काल फ़ायदा के लिए आपको क्या करना चाहिए और वो भी घरेलू औषधियों के द्वारा। दोस्तों आप जानते हैं कान में जो जख्म हो जाती है तो उसे जो जीवाणुओं का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, उससे पक करके पीप या पस की उत्पत्ति होती है, जो कान से आपका पीप बहने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा उसके बारे में हम आपको उपाय बताएंगे। दोस्तों एक दो सरल उपाय जिनके करने से आप बहने वाला कान को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं और इस समस्या से छुटकारा भी जल्दी पा सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और देखते रहें इसी प्रकार नई नई जानकारियां अपने घर बैठे। तो लीजिए दोस्तों बताते हैं आपको हम पहला उपाय कि किसके करने से आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा। आपको नीम का तेल लेना है। नीम के तेल में शहद मिला करके और उसकी रुई को भिगो करके अगर दोस्तों आप कान में रखते हैं तो आपका कान बहना बंद हो जाता है। पहला ये उपाय है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। और दूसरा भी दोस्तों हम आपको उपाय बताते हैं जिसके करने से आपको जल्द ही आराम मिलेगा। आपको दूसरे उपाय में दोस्तों माँ के दूध में रसौत पीस करके, रसौत जड़ी बूटी जो की दुकान होती है उससे आपको मिल जाएगी, रसौत बोलते हैं, और उसको घी में या शहद में मिला करके कान में अगर डालेंगे तो कान से जो दुर्गंध आती है या मवाद आता है, इस प्रकार से जो समस्या है दोस्तों वो बंद हो जाती है। इस दूसरा उपाय भी आपके लिए भी ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी दोस्तों आप उपाय कर सकते हैं। जैसे हमने पहला आपको बताया कि नीम के तेल में शहद मिला करके रुई भिगो करके अगर कान में रखते हैं तो आपका इस कान बहना बंद हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हमने दूसरा भी आपको उपाय बताया था कि माँ के दूध में रसौत पीस करके घी या शहद में मिला करके अगर कान में आप डालेंगे तो आपका मवाद आना बंद हो जाता है और जल्दी से जो कान का बहना है वो आपका ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आपके लिए हमने बहुत सरल उपाय बताया है, इनमें से कर सकते हैं आप उपाय और घर बैठे ठीक हो सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करते हुए अपने लोगों को शेयर करना न भूलें। इसी प्रकार आप नई नई जानकारियां घर बैठे देखते रहेंगे। इसी जानकारी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार।